अब हम आगे से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडिट और डिलीट दो बटन नजर आ रहे हैं, ये मुझे ना ऑकवर्ड सा लग रहा है। हम यहाँ के क्या कर देते हैं, यहाँ मैं एडिट और डिलीट की जगह एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक्शन। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट करूंगा, HTML स्टूडेंट्स ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने टेबल में, मैंने एडिट और डिलीट को रिमूव करके एक्शन लिखना है, इन दोनों का एक ही सेल होगा। तो क्या करूंगा, कॉल स्पैन, बट कॉल स्पैन क्योंकि दो कॉलम्स को स्पैन करना है, इसमें रो स्पैन यूज नहीं, क्योंकि रो स्पैन आपकी इस तरह करके होती है या आपने इन दो को करना है कि दो बेसिकली क्या है, कॉलम्स हैं। तो कॉल स्पैन कहां पे लगाओगे, मतलब एडिट से शुरू करेंगे, कहां पे कॉल स्पैन कहां से शुरू करना है, एडिट से। तो मैं यहां पे एडिट वाला आपने कहां पे लिखा हुआ है, दिस इज योर एडिट, और यहां पे मैंने क्या लिखना है, एक्शन या आपने क्या परफॉर्म करना है, और यहां पे मैं लिख दूंगा कॉल स्पैन, कितना कॉल स्पैन करना है, टू करना है, वन इज एडिट एंड सेकंड इज डिलीट, ठीक है, टू करना है। आगे एक्शन इनके ऊपर, बाकी डिलीट को तो हमने वैसे भी रिमूव करना था, तो रिमूव डिलीट का कोड मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अभी चेक करें बेटर एक्शन, क्या आपने एडिट करना है या इसको डिलीट करना है, सिंबल आपको शो ऑफ कर रहा है कि ये एडिट का है और ये डिलीट का है, डन बात यहां तक, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा, ये आपको वैसे यहाँ पे होवर्स वगैरह आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे और मजीद बात ये कर लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर एडिट पे क्लिक करूँ तो एडिट हो, मैं क्रॉस पे क्लिक करूँ तो जिस वाले क्रॉस वाली रो पे क्लिक कर रहा हूँ वो वाला रिकॉर्ड मेरा यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और जिस वाले रो के मैं एडिट पे क्लिक करूँ वो वाला रिकॉर्ड मेरा एडिट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिलीट देख लेते हैं, डिलीट इज सिंपलेस्ट है। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं जिस रो पे क्लिक करूँ मुझे उसका पता चले कि कौन सी वाली रो पे मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, डिलीट की क्यूरी क्या होती है, पहले आप मुझे वो एक्सप्लेन करें। टेबल के अंदर डिलीट की क्यूरी क्या लिखते हो, रिकॉर्ड को डिलीट करने की, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम है स्टूडेंट इन्फो, आगे आईडी के थ्रू चल रहे हैं, चलो ठीक है आईडी के थ्रू, क्योंकि हम चलते हैं किसी भी यूनिक चीज के थ्रू। वेयर आईडी इज इक्वल टू, अगर मैं वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 लिख दूंगा तो वो हर बार फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करेगा। डन, हमने यहां पे क्या देना होगा, आईडी, आईडी हमें देना पड़ेगा डायनेमिक, कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसकी आईडी पिक करे और वो वाला रिकॉर्ड क्या करे, रिमूव करे। अब हमने आईडी पिक करवानी, आईडी पिक किस तरह करवाओगे, ये देखो यहां पे जीरो वाले इंडेक्स पे अभी क्या आ रही है, जीरो वाले इंडेक्स पे आपका क्या है, आपको जिस मैंने आपको कहा था कि कॉलम्स नेम्स इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो जीरो वाले पे क्या आपका स्टूडेंट आईडी। डन। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ डॉलर एबीसी और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जीरो, क्योंकि ये अरे को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी देखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू लगा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि पहले आप ये भी कर सकते हो, आप लिख दो यहाँ पे डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए बी सी और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दो जीरो। जीरो का मतलब क्या है, कौन सा कॉलम आ रहा है, आई डी, ठीक है। अगर यहाँ पे वन लिख दोगे तो कौन सा कॉलम आ रहा है, अगर आप यहाँ पे चेक करें डेटाबेस में वन कौन सा, जीरो वन, विच वन क्या है, स्टूडेंट नेम्स आ रहे हैं। अब इस एबीसी के अंदर, ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है आपका, नेम स्टोर हो रहा है, हमें नेम से मतलब नहीं है, क्योंकि नेम हो सकता है मल्टीपल स्टूडेंट के सेम हो, तो वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। मुझे क्या लगाना है, आईडी, क्योंकि मैंने प्राइमरी किस पे लगाई हुई है, आईडी पे लगाई है, तो आईडी हमारी यहाँ पे क्या होगी, स्टेबल की यूनिक चीज है, क्लियर। तो जीरो लगाया और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दोगे, डॉलर ए, लेकिन आपको मैंने कहा था कि हर कॉलम को ऐसे भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे लिख दो डॉलर बी इज इक्वल टू ए बी सी वन, लेकिन ये काम ना अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने बेटर ये किया था डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी थी, क्लियर बात यहाँ तक, ओके। अच्छा, ये मैंने इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसको मैंने आगे यूज करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए में स्टोर करा के आगे ए पास कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, एडिट डिलीट पे आ जाता हूँ, हमारे पास आईडी किसमें स्टोर हो रही है, ऑटोमेटिकली ए के अंदर स्टोर हो रही है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन ये दे देता हूँ, क्योंकि हमने एक डिलीट का एक दूसरा पेज बनाना है जिसपे ये डिलीट करेंगे, सेम पेज पे डिलीट नहीं होना, इस पेज का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूं, यहाँ पे रखना है डिलीट डॉट पी एच पी, ये डिलीट करेगा, क्लियर बात यहां तक, ये डिलीट डॉट पी एच पी है, तो
एफ ए रिमूव के ऊपर जो हमने ए टैग लगाया था, तो ए टैग पे हम कौन सा पेज ओपन करवाएंगे? delete.php, ठीक है, क्योंकि इस रिमूव वाले बटन पे हमने कौन सा पेज ओपन कराना है? डिलीट, और डिलीट के पेज पे हम कोड कौन सा करेंगे? डिलीट का। देन बाद यहाँ तक, अभी अब आपको अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इस डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो delete.php हमारा पेज ओपन हो रहा है। मैं बैक आता हूँ, मैं इस पर डिलीट करता हूँ, मेरा delete.php ओपन हो रहा है, किसी भी रो पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यार, यहाँ पे मसला ये आ रहा है, ये सेम पेज पे काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ नया टैब ओपन हो, तो नया टैब ओपन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब क्रॉस कर रहा हूँ, देखो डन। इसमें हम HTML इस पे क्लिक करता हूँ, ये आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी हुई हैं, सिंपल सी चीजें हैं। Done. अच्छा, ये हमारा हो गया कि हमने पहले हमने काम किया, इसके साथ हमने डिलीट का पेज अटैच किया, हो गया। उसके बाद मैंने नए टैब में ओपन करना, ये एक ऑप्शनल चीज है, वो भी हमने कर ली। अच्छा, अब जो मेन काम है वो ये करना है कि मैं जिस रो वाले पे क्लिक करूं उसकी आईडी उठाए। अब इस पे क्लिक करूं उसकी आईडी क्या है? अगर मैं यहाँ वाले क्रॉस पे क्लिक करूं तो उसकी आईडी क्या है? 2। मैंने बेसिकली आईडी यहां से ट्रांसफर करनी है डिलीट के पेज पे, क्लियर। किसको पता हो कि मैंने इस पेज पे जिस वाले बटन पे क्लिक किया उसकी जो आईडी है वो ट्रांसफर कहां पे करनी है? इस वाले पेज पे, और इस वाले पेज पे ये आईडी का जरूर उसको डिलीट करें, ठीक है। आईडी तो हमने पिक कर ली है, यहां पे देखो ये पिक कर ली थी, स्टोर किसमें करा ली? ए में। अब हमने भेजना है। अच्छा, डेटा पास किस तरह कराते हैं? आपने दो मेथड पढ़े थे डेटा को, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट में फर्क क्या है? पोस्ट में ऊपर आ जाता है, नहीं गेट में आता है। पहले कंफर्म हो जाओ, गेट और पोस्ट में ये फर्क क्या है? गेट के थ्रू हम सेंसिटिव डेटा पास आउट नहीं कर सकते, ठीक है, पोस्ट के थ्रू हम सेंसिटिव डेटा पास कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट में आपका यूआरएल में डेटा नहीं आता। आप कभी जीमेल अपना लॉगिन करते हो, आपने जो अपना ईमेल और पासवर्ड दिया, जब लॉगिन पे क्लिक करते हो ऊपर आपको अपना शो हो रहा होता है यूआरएल में कि आपने क्या टाइप किया था पासवर्ड के अलावा, क्लियर बात यहां तक। तो अब हम यहाँ पे गेट और पोस्ट तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कोई भी साइट का। लेट्स सपोज हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे जीमेल ओपन कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स सपोज ये देखो, यहां तक इसने ये URL दिया हुआ है, ये आपका URL चल रहा है। इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ ना, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहां से इसने वैल्यू पास करना स्टार्ट किया। पहले वेरिएबल का नाम है UTM source, जो इसने पास करना था इस पेज पे, उसकी वैल्यू यहां पे क्या आ रही है जो इसने पास की है? वेब। दूसरे वेरिएबल के लिए इसने, जब दूसरे वेरिएबल पास करना, इसने बीच में क्या लगाया? एंड। ये दूसरा वेरिएबल है, और दूसरे वेरिएबल की इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है। फिर एंड लगाया, ये तीसरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहां पे क्या है? इसका फायदा ये हुआ है कि इसने पिछले पेज से इस पेज पे ये वैल्यू ट्रांसफर की है, और अब इस पेज पे आप ये वैल्यू गेट कर सकते हो। डन बात यहां तक, ओके। हमने भी यही करना है, हमने व्यू वाले पेज पे हम बेसिकली हैं, मैंने व्यू वाले पेज से आईडी पिक करनी है और डिलीट वाले पेज पे यहाँ पे सेंड करनी है, और इसका भी कुछ इस तरह आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वेरिएबल नेम हमने लेफ्ट पर रख दिया, आईडी इज इक्वल टू 2 आएगा अगर आप 2 वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है, 3 वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आईडी इज इक्वल टू 3। डन। वो किस तरह आएगा? क्योंकि आपने वैल्यू किसमें स्टोर की हुई है? ए में। और मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट में हमने कोड करना है, इधर ये HREF में हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेरिएबल का नाम हमने क्या रखना है? वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ आईडी, ये अपनी तरफ से है, वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? आईडी।
और इस आईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डॉलर ए। डॉलर ए डायनेमिक है, वो जो ऊपर जो भी स्टोर हो रहा है डॉलर ए के अंदर आईडी जिस पे आप क्लिक करोगे, वो आपने आईडी वाले वेरिएबल में क्या कर दी, पास कर दी। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये शो कर रहा होता है कि ये हमारे यूआरएल के पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज हैं। धन्यवाद यहाँ तक, ओके। अगर दूसरी वैल्यूज पास करनी होगी इसके साथ, एक और आप कह रहे हो कि मैंने यूआरएल में दो वैल्यू पास करनी है, एक आईडी पास करनी है और दूसरा स्टूडेंट नेम, दो चीजें पास करनी है। क्योंकि क्यूरी में हो सकता है आप यहाँ पे लिखना चाहो वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस एंड दिस, दो पैरामीटर चाहिए होंगे आपको, दो वैल्यूज। फिर आप यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, क्या लगाओगे, एंड फिर वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो। मैंने रख दिया नेम इज इक्वल टू उस वेरिएबल का भी जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। डन बात यहाँ तक, ओके। लेकिन अभी हमने बस एक ही वैल्यू देनी है। जस्ट देखो मैंने जस्ट ये लाइन लिखी है, ये वेरिएबल का नाम मैंने अपनी तरफ से रखा, आईडी आपने एबीसी रखना है, जो भी नाम रखना है। इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, जो डॉलर ए की है। अगर आप यहाँ पे फिक्स कर देते हो, यहाँ पे लिख देते हो वन, तो बार बार इसकी जो आईडी पास होगी वो क्या होगी, वन। वो जस्ट वन का रिकॉर्ड डिलीट करेगा। मैंने डायनेमिक काम किया कि जिसपे मैं क्लिक करूं वो वाला रिकॉर्ड करे। ये मैंने सेव किया और अब चेक करो, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद देखो मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया, आईडी क्या आ रही है, इधर देखें जरा सारे, आईडी क्या आई है, वन। मैं इधर क्लिक करता हूँ थर्ड वाले पे, आईडी क्या आ रही है, डिलीट वाले पेज पे आईडी आपकी पास हो गई। हमने पहले ये काम किया कि हमने इस पेज से जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी हमने कहाँ पास करानी है, दूसरे पेज पे। और दूसरे पेज पे हमने किस तरह पास कराई है, पहले मैंने उस सेल का रिकॉर्ड एक वेरिएबल में सेव करवाया और वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कराया वेरिएबल के थ्रू क्वेश्चन मार्क लगा के एच आर ई एफ के अंदर, वेयर आई डी ये कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू डॉलर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। धन्यवाद यहाँ तक, ओके, कोई मसला। अब आपने दूसरी वैल्यू भी स्टोर, अगर आप कह रहे हो कि मैंने एक और वैल्यू भी भेजनी है तो उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे बी इज इक्वल टू डॉलर ए बी सी, और हमने लेट्स सपोज थर्ड वाली सेल की दिखानी है। थर्ड सेल हमारा कौन सा बनता है यहाँ पे, विच वन, थर्ड इंडेक्स कौन सा बनता है, थर्ड इंडेक्स कौन सा बनता है यहाँ पे, हरी अप पासवर्ड, गुड। जीरो पे आईडी, वन पे नेम है, ईमेल टू पे है, पासवर्ड किस पे है, थ्री पे। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड स्टोर करा लिया, मतलब बी के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसका आईडी और पासवर्ड। और मैं अब यहाँ पे कह देता हूँ कि उसका आईडी भी भेजिए नेक्स्ट पेज पे और उसका पास इज इक्वल टू डॉलर बी। अभी जरा चेक करें, मैं इस पेज को रिफ्रेश किया, अब यहां पे चेक करें, वेयर आईडी इज इक्वल टू वन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 10258, यही है। मैं यहां पे क्लिक करता हूं, उसका पासवर्ड क्या है, बात क्लियर हो गई। आपने जितनी वैल्यू सेंड करनी है आपने उसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पे बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है, और ऊपर एक दफा वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेनी, डेट्स इट, ओके डन। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ये आपको जिसमें मैंने शो किया कि हमने यहाँ पे काम करना है एबीसी जीरो, बाकी ये वैल्यू सेंड हो रही है, हमारा यहाँ पे व्यू का काम हो गया खत्म। अब हम आ जाते हैं डिलीट के ऊपर, ठीक है। आपके पीएचपी के अंदर ये सारा कोड किसका होता है, एचटीएमएल का। ये एचटीएमएल कोड क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि अगर आपने डिजाइनिंग करनी है, डिलीट के कोड में मैंने डिजाइनिंग तो नहीं करनी है, डिलीट के कोड में क्या होगा। अब व्यू के कोड में मुझे डिजाइनिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसको मैंने शो करना है ना टेबल, तो मुझे डिजाइनिंग करनी पड़ी, डिलीट के कोड में डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। इस कोड को मैं कर देता हूं यहां से रिमूव, ठीक है। मैंने बस लिखनी है क्यूरी, सबसे पहले आपको क्या लगाना है यहां पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे पीएचपी का टैग लगाना है। पीएचपी के टैग के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर का फंक्शन। उसकी रीजन ये है, जब तक कनेक्शन नहीं लगाओगे तो डिलीट किस तरह होगा, कनेक्शन के फोल्डर के अंदर जाके कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल है, ये आपकी कनेक्शन वाली फाइल यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। अब हमारी डेटाबेस से ये फाइल हमारी क्या हो गई है, लिंक्ड हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या काम करना है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ एबीसी इज इक्वल टू क्यूरी, क्या लिखते हैं, डिलीट की, डिलीट क्यूरी, मैंने डिलीट फ्रॉम
टेबल नेम, टेबल नेम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेबल नेम हमने यहाँ पे रखा हुआ है स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, वेयर कॉलम नेम क्या है, वेयर कॉलम का नाम क्या है एस आई डी, वेयर एस आई डी इज इक्वल टू व्हाट। अभी आपने एस आई डी कहाँ से गेट करनी है, इस पेज पे आपकी आई डी आ रही है डिलीट वाले पेज पे, कहाँ पे आ रही है यू आर एल में। यू आर एल से वैल्यू पिक करने का तरीका क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने दो मेथड पढ़े थे, वो कौन कौन से पढ़े थे, गेट और एक पोस्ट, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, फुलिश मिस्टेक, वो कहते हैं गेट मेथड हम यूज करते हैं गेट करने के लिए, पोस्ट मेथड हम यूज करते हैं भेजने के लिए। टोटली रॉन्ग है, गेट का भी काम है गेट करना डेटाबेस से, और गेट के थ्रू आप सेव भी करा सकते हो, भेज भी सकते हो, पोस्ट के थ्रू भी आप गेट कर सकते हो और भेज भी सकते हो, सेव भी, दोनों के काम सिमिलर है। फर्क सिर्फ किसका है, जो आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ, सेंसिटिव डेटा का, कि गेट में आपका डेटा पास कैसे होता है थ्रू यूआरएल, और पोस्ट में कैसे पास होता है यूआरएल के थ्रू नहीं होता। डन बात यहां तक। अच्छा अब बात आती है गेट पोस्ट देखा, अब आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे यूआरएल में वैल्यूज आ रही हैं, मैंने यूआरएल से वैल्यू पिक किस तरह करूंगा, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है ये हम यूज करते हैं यूआरएल के से वैल्यू को पिक करने का, ये यूआरएल से वैल्यू पिक करता है, क्लियर। अब आपको किसने बोलेगा यूआरएल से कौन सी वैल्यू पिक करनी है, वो आपने ऊपर नाम रखा हुआ है, यूआरएल का नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पे, क्या रखा हुआ है, ये आईडी पिक करनी है, पासवर्ड पिक करना है, वैसे पासवर्ड तो मैंने रिमूव कर दिया है, हमने क्या पिक करना है आईडी, नाम क्या रखा हुआ था उसका हमने आईडी इज इक्वल टू, मतलब आईडी नाम रखा था, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा कि हमने कौन सी वैल्यू पिक करनी है जो हमने उसका नाम रखा हुआ है वेरिएबल का नाम। डन, अच्छा इसको मैं एक वेरिएबल में स्टेव करवा लूंगा डॉलर आईडी इज इक्वल टू दिस, और यहां पे क्या लिख दूंगा वेयर एस आईडी इज इक्वल टू दैट्स इट। बात क्लियर हो गई, ये रिक्वेस्ट हमने यूज किया यूआरएल से गेट करने का, क्या गेट करना यूआरएल में क्या ना किस नाम से है वो हमने कह दिया आईडी के नाम से है, इसने वैल्यू पिक की वेरिएबल में स्टोर कराई और वेरिएबल मैंने इसको रेफर कर दिया। अब हो सकता है 1 आ रही हो 2 आ रही हो जो भी आ रही हो, तो वेयर एस आई डी इज इक्वल टू 2 एस आई डी इज इक्वल टू 1 जो भी यूआरएल से आ रही है। डन यहां तक बात, किसी को यहां तक कोई मसला, ठीक है। अच्छा ये तो एक सिंपल सा हमने वेरिएबल बनाया है, क्यूरी चलाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है एसक्यूएल के अंदर, MySQL के अंदर क्यूरी को रन करने के लिए MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, इसके थ्रू हमारी क्यूरी चलती है, और इस क्यूरी के अंदर हमें दो पैरामीटर देने पड़ते हैं, एक कनेक्शन का जो हमने इसके अंदर बनाया हुआ है वो किस नाम से बनाया हुआ है कौन के नाम से, ठीक है, और दूसरा हमने कौन सा देना है जो जिसके अंदर हमने क्यूरी लिखी है उसका नाम क्या रखा हुआ मैंने एबीसी। यस यहां तक बात क्लियर है, वेयर एस आईडी इज इक्वल टू आईडी, इस कॉलम के अंदर जो भी इस नाम का आईडी होगा उसको क्या कर दे डिलीट कर दे, और ये क्यूरी बेसिकली इसको रन कर रही है। डन बात यहां तक, अब इसको जरा चला के देख लेते हैं, इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, मैंने लेट्स सपोज अवेस को डिलीट करना है, मैंने क्रॉस पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, इसको मैंने रिफ्रेश किया, कहां गया कोड, डिलीट हो गया। डेटाबेस में से चेक करते हैं, डेटाबेस में देखो अवेस है, इसको रिफ्रेश करते हैं, डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मसला क्या आ रहा है, मसला यार ये आ रहा है कि ये वाला पेज आपका ओपन हो रहा है जबकि आप कहीं पे डिलीट पे बटन पे क्लिक करते हो, पेज कभी ओपन नहीं होता, क्लियर। तो उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमारा पेज तो ओपन होगा, हमें यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करना होगा, क्या करना होगा, रीडायरेक्ट करना होगा कि ये इस पेज पे आपका ऑटोमेटिकली आके दोबारा उसी पेज पे चला जाए, क्लियर। उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जिस तरह आप ए टैग यूज करते हैं, ए टैग इसलिए यूज करते हैं हम लिंक्स लगाने के लिए, ठीक है। पीएचपी के अंदर आपको मैंने बताया था इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि फंक्शन हमारा हेडर के नाम से, किस नाम से है हेडर, ये हेडर में हम बेसिकली यहाँ पे बताते हैं डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पे लिखना लोकेशन, ये लोकेशन जो है यहाँ पर कीवर्ड है, ये लोकेशन हमारा यहाँ पे क्या है कीवर्ड है, आप यहाँ पे बता रहे हैं कौन सी लोकेशन view.php, और इसके साथ हम यहाँ पे लगा देंगे एग्जिट,
कि दोबारा इस पेज पे ना आए। क्लियर, ये इसका हेडर का मतलब है, हेडर ये हमारा लोकेशन है, कीवर्ड है, और इसके अंदर हमने बताया कौन से पेज पे इसको लेके जाना है, दोबारा इसको व्यू डॉट पीएचपी। अब होगा ये कि जब आप इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये कौन से पेज पे इसको रेफर करेगा, डिलीट वाले पेज पे। गुड, इसने ये लाइन चलाई, इसने ये लाइन चलाई, इसने ये लाइन चलाई, क्यूरी को डिलीट करते और साथ ही इसको कहां पे भेज दिया, व्यू डॉट। ये स्टे नहीं करेगा, आपको दोबारा ही ऐसा लगेगा कि मैंने पेज को रिफ्रेश किया। आपने हेडर का कोड जो होता है ना, ये बेसिकली रीडायरेक्ट करता है। तो अगर आप इसको किसी कंडीशन में रखते हैं ना, तो वो कंडीशन में जब आप रखते हो, मतलब इफ या इफ एल्स में रखते हो, तो वो वेट करता है कि जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा कोड ये वाला चलेगा। लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने इसको ओपनली रख दिया, तो ये क्या करेगा, चलते ही साथ इसको रीडायरेक्ट किस पे कर देगा, आपका डिलीट का पेज ओपन होगा ही नहीं। डन बात यहां तक, ओके, ये हमारा डिलीट का पेज है और इसके साथ में हमारा यहाँ पे व्यू का है। अब व्यू के अंदर जो हमने यहाँ पे टारगेट लगाया था ना, इस टारगेट को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि वो नया टैब ओपन करेगा, नया टैब। तो हम यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है इसको हम खत्म कर देते हैं कि नया टैब ओपन ना करे, सेम ही टैब में सारा काम हो जाए। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी चेक करें, डन। इसने क्या किया, इस बटन पे जब आपने क्लिक किया, टारगेट मैंने खत्म किया, टारगेट का ओपन करते तो इस तरह का एक नया टैब ओपन होकर फिर ये टेबल नजर आ रहा होता। हमने सेम में चेंजिंग करनी है, तो मैंने यहीं पे कर दिया कि मैं टारगेट खत्म कर दिया और डिलीट के अंदर मैंने हेडर लगा दिया। हेडर का बेसिकली मतलब होता है रीडायरेक्ट करना, उस पेज को ओपन करना। लोकेशन हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारे वेरिएबल का नाम नहीं, हमारा कीवर्ड है जो लोकेशन डिसाइड कर रहा है। हमने यहाँ पे लोकेशन बता दिया व्यू, अब ये कोई कंडीशन के अंदर नहीं था, इसने डायरेक्ट ही क्या करना है, पेज को ओपन कर देना, इसने आपको स्टे का टाइम ही नहीं मिलना। अगर आप इसको इफ वाले कोड में रख दोगे फिर ये वेट करेगा। क्लियर बात यहां तक, ओके। अब दूसरी तरफ आते हैं, इधर देखें, अब आपको सर हेडर और हमने कहां यूज करना है, लोकल होस्ट, हम जरा अब हम उस इंसर्ट वाले पेज पे आ जाते हैं जो हमने अभी इंसर्ट का कोड किया था। मैं जब डाटा यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू, लेट्स सपोज उमर रह गया, उस्मान एच हॉटमेल डॉट कॉम, पासवर्ड दे देते हैं, एज दे देते हैं, मेल, कंट्री दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, मैंने सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया, सेम पेज पे है। मैं चाह रहा हूं जब मैं इस पे क्लिक करूं ना, ये आपको कहां पे ले जाए, जब आप रिकॉर्ड सेव करते हो कौन से पेज पे चले जाते हैं, व्यू पे जाते हैं। तो इसका पेज ओपन करते हैं, जरा इंसर्ट का कोड ओपन करते हैं। सबसे पहले तो यार मुझे एक चीज बड़ी बुरी लग रही है यहाँ पे, वो ये बुरी लग रही है, इस बटन के नीचे ना स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल एच के साथ लग रहा है। अब बेटर है, स्पेस आ रही है, इतनी स्पेस नीचे है, ओके। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कि मैं जब रिकॉर्ड सेव करूँ तो मैंने किधर भेजना है, व्यू के पेज पे। गुड, तो यहाँ पे जो आपने आरएस लिखा हुआ है, MySQL क्यूरी कौन क्यूरी, और इसका मतलब, कंडीशन का मतलब क्या है, थोड़ा तो ऊपर से आते हैं, ये वाले वेरिएबल्स में वैल्यूज आई है हमारी, ये क्यूरी हमने लिखी है इंसर्ट की, ये इसने क्यूरी बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा, इंसर्ट क्यूरी, ये वेरिएबल में तो हमने वैसे स्टोर कराई थी, कौन और ये क्यूरी स्टोर किसके अंदर होगी, जिसका रिजल्ट होगा कि हुई भी है या नहीं हुई, अगर हुई होगी तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, फॉल्स। मैंने कंडीशन लगाई है इफ आर एस, मतलब ट्रू है तो क्या शो हो जाए, रिकॉर्ड हैज बीन, अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर रिकॉर्ड सेव हुआ है तब ये आपको क्या करे, यहाँ पे हेडर यूज करे, और हेडर के अंदर आप यहाँ पे क्या दे दोगे, लोकेशन कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे व्यू डॉट पी एच पी पे इसको ले आए, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एग्जिट, एग्जिट साथ यूज करना जरूरी होता है। क्लियर, और ये लेकिन तब चलेगा जब मेरा रिकॉर्ड क्या होगा, इसके अंदर ट्रू आए, अगर इसके अंदर फॉल्स आ रहा होगा फिर ये वहां पे उसी सेम पेज पे रह के क्या मैसेज देगा आपको,
बात क्लियर है। अब आप चेक करना डिलीट में, तो आपने इसको रखा हुआ था ओपनली, किसी इफ के अंदर नहीं रखा था, और अब आपने इसको किसके अंदर कर दिया यहाँ पे, इफ में। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है ये आप देखो, सेव रिकॉर्ड किया, डन बात यहां तक, वो कुछ बात की बात, ये इस पर डिस्कशन हमारी हो चुकी पहले।